सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आज आपका अपने इस चैनल में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने पिटबुल डॉग को आप ट्रेन कैसे कर सकते हैं और उसका हेड साइज, जो मेन बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि हम अपने डॉग का हेड साइज कैसे ग्रो करवाएं, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा जो फीमेल डॉग है वो अभी 4 से अराउंड 5 मंथ का हुआ है और उसका हेड साइज आप देखिए कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है और मैंने क्या क्या ट्रेनिंग्स उसको दी हैं, सिखाया है। तो आज मैं बेसिकली बस आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपने डॉग को कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं जिससे कि उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक रहे और वो एक्टिव रहे, और दूसरी चीज़ उसका हेड साइज ग्रो होने में कितनी हेल्पफुल ये चीज़ है। तो गाइस देखिए, ये मेरी फीमेल पिटबुल डॉग है और अभी अराउंड ये 4 to 5 मंथ की है और इसका आप एक बार ग्रोथिंग देखिए कि इसकी हाइट एंड इसका हेड साइज देखिए आप गाइस, ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसका हेड साइज। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ वो दो चीज़ें जिससे आपके डॉग को हेड साइज ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ है ये बोन। तो ये जो बोन है आपको अपने डॉगी को दे देनी है और दोस्तों उसके जो हेड साइज है, जो उसकी कैपेसिटी है, उससे बड़ी ही बोन देनी है ताकि वो अपने हेड को ज़्यादा से ज़्यादा खोले, अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा खोले और उससे उसकी हेड की मसल स्ट्रेन हो जाए। तो एक तो पहली चीज़ है ये बोन, आपको ये दे देनी है उसको ताकि वो इससे अपना खेलता भी रहे, इस चीज़ में बिजी भी रहे, वो आपकी इससे चप्पलें वगैरह भी नहीं काटेगा अगर वो इसमें बिजी रहेगा तो। और बड़ी बोन देनी है जिससे कि वो जो है उसके हेड को ज़्यादा से ज़्यादा खोल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मसल ट्रेन हो सके। और दोस्तों सेकंड चीज़ ये है कि ये मैंने उसकी एक्सरसाइज के लिए बनाया है, आप कुछ भी ले लीजिएगा, आप पेट शॉप से भी ले सकते हो बट मैंने ये घर पे ही बनाया है। तो ये देखिए एक शर्ट थी और ये एक रस्सी से मैंने बांध दी है। तो इसको क्या करना है, हमने अभी मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपने डॉग की एक्सरसाइज कराता हूँ, इससे उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी अच्छा रहता है और उसके हेड साइज जब वो पकड़ती है तो उसकी ग्रिप भी बनी रहती है। इससे मैं उसको फाइट करना नहीं सिखा रहा हूँ, एग्रेसिव नहीं बना रहा हूँ बिल्कुल भी। और ये देखिए वो बहुत हैप्पी रहती है और बहुत प्लेफुल हो जाती है इसके साथ में। चलिए मैं दिखाता हूँ आप। तो गाइस देखिए, अब मैंने ये मतलब जो भी मैंने अपना ये बनाया है इसको ट्रेनर और एक्सरसाइज करने के लिए, एक कपड़ा लिया है उसका रस्सी से बांधा है। देखिए ये इसको अपने हिसाब से जंप करेगी और पकड़ेगी, देखिए इसने पकड़ लिया। अब इससे इसकी एक तो ग्रिप बनेगी, मुखी एक्सरसाइज भी होगी और इसके जो जितने भी मसल है, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे ही एक्टिव रहेंगे। तो गाइस देखिए ये कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, तो इसका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी इससे अच्छा रहेगा। और देखिए इसने किस तरीके से पकड़ लिया है ये इसको कपड़े को और ये अपनी तरफ को पुश कर रही है। देखिए अब ये जंप करेगी, ये देखिए पकड़ने की कोशिश कर रही है उसको। और गाइस इसकी हाइट ज़्यादा रखनी जिससे वो उछले, उछल कूद ज़्यादा करे, एक्टिव ज़्यादा रहे और फिर वो उसको पकड़ के और जो है क्या नाम है इसको अपने हेड से खींचे, पुश करे, इसकी मसल की एक्सरसाइज हो, बॉडी की ग्रोथ हो। तो गाइस ये ग्रोथिंग में, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा भी नहीं करनी क्योंकि इस टाइम गर्मियों का टाइम है, हीट स्ट्रोक आने वगैरह का खतरा रहता है। तो गाइस मैक्सिमम आप इसको 15 से 20 मिनट ही कीजिएगा, इससे आपके डॉग एक्टिव भी रहेगा और हेल्थी भी रहेगा और बीमार भी नहीं होगा। और इसे एक्सरसाइज को कराने के बाद में डॉग दोस्तों, तो आप एकदम इसको पानी मत दीजिएगा वरना जो है क्या नाम है फिर वही सर्दी गर्मी वाला हिसाब हो जाएगा और इसको फीवर भी हो सकता है। तो गाइस वो मत करिएगा आप। देखिए मैं इसको वो कर रहा हूँ कि आप ये इसको पकड़े, मतलब प्यार से देखिए इसको ट्रेन करना है आपने, ऐसा भी नहीं है इसको एग्रेसिव बना देना है। और ये इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, मुझसे भी जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, फैमिली में बच्चे हैं उनसे भी फ्रेंडली है, बाहर भी ज़्यादा फ्रेंडली है क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से ट्रेन किया है, बनाया इस तरीके से कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली रहे, किसी पर अटैक ना करे और इनफैक्ट ये डॉग जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन पर भी अटैक नहीं करती है जब तक कि वो सामने से भौंके या अटैक ना करें, तब तक ये कुछ नहीं कहती है, पूंछ हिलाती रहती है। गाइस बहुत ही अच्छी डॉग है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको ट्रेन किया है। ये देखिए एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे इसका हेड साइज़ ग्रो होगा, मसल इसके ग्रो होंगे और इसकी हाइट, लेंथ, वेट, डाइजेस्टिंग सिस्टम सब कुछ ही फिट रहेगा गाइस। और इसको आपको मैक्स 15 से 20 मिनट आप कर दीजिएगा अपने डॉग के साथ में डेली, क्योंकि गाइस अगर आपने डॉग पाला है तो देखिए उसको टाइम भी देना पड़ेगा। तो बस यही था। और गाइस आज के व्लॉग में थोड़ा माफ़ करना, जो मैंने व्लॉग शुरू में शूट किया है उसमें थोड़ा नॉइस आ रहा है क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया था, उसमें फ़ोन से ही ऐसे ही शूट कर लिया था। दूसरी चीज़ देखिए, मैं इसको बोन दे रहा हूँ अब, ये थोड़ा सा मैंने, वैसे तो नॉर्मली आप बोन दे सकते हैं बस ऐसे ही खेलने के वे में, इसको ऐसे ही थोड़ा एक्सरसाइज बोन से भी करा दिया मैंने इसको। अब देखिए मैं इसको ये बोन दे दूंगा गाइस और ये खूब हैप्पीली देखिए कैसे खा रही है बोन को। और देखिए इसका बोन बड़ी इसलिए दिए ताकि इसका हेड साइज़ ज़्यादा खुले, ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा, जितना बोन साइज़ बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा मुँह खोलेगी।
तो अगर दोस्तों आपको इसी तरह की डॉग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।